शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हे नाथ, ये अनर्थ होने से रोक लीजिए। अन्यथा स्मरण रहे कि अपने पुत्र के साथ साथ आप अपनी पत्नी को भी खो देंगे। मेरी गुहार सुनिए स्वामी, अपने पुत्र पर दया कीजिए। आपका अपना अंश एक अबोध बालक है वो। क्षमा कीजिए उसका बाल हट स्वामी। होलिका के इस दिव्य वस्त्र का आवरण उन्हें प्रचंड अग्नि में भी सुरक्षित रखता है, परंतु प्रहलाद तो इस अग्नि के प्रज्वलित होते ही भस्म हो जाएंगे। पिताश्री, जब आप मुझे प्रभु श्री हरि का नाम नहीं लेने का आदेश देते हैं, तब आप भी मेरे साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। हम दोनों प्रभु को स्मरण कर एक साथ उनके पुण्य के भाग बनते हैं। इसीलिए तो मैं आपसे श्री हरि की शरण में आने का निवेदन कर रहा। हरि हरि हरि। एक पितृद्रोही कुपुत्र के माता पिता कहलाने से तो निसंतान रहना अधिक उत्तम है। उस कुलद्रोही के लिए शोक मत कीजिए देवी। मैं अपने नेत्रों के समक्ष ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती स्वामी। अपने कुल दीपक को जीवित भस्म होते हुए नहीं देख सकती। यदि आप यह दृश्य नहीं देख सकती तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सेनापति, प्रज्वलित कर दो इस चिता को और जलाकर भस्म कर दो इस कुलघाती पुत्र द्रोही दुष्ट हरि भक्त बालक को। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। महाराज, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? हाँ, अपने ही पुत्र को भस्म करने जा रहे हैं। ये क्या घोर अनर्थ है? सभी के लिए एक ही भगवान होंगे, भगवान श्री हिरण्यकशिपु। Hey!
भरत प्रभु भक्तन पर छाया, दैत्यराज ये समझ न पाया। झुंझलाया तब राक्षस राज, होलिका अब अंतिम वास। सत्य का साथ प्रभु श्री करता, भक्त प्रहलाद के कष्ट हरता। करे कपि श्री हरि का सुमिरन, श्री विष्णु वंदन अभिनंदन। रक्षा करिए मेरी, ये अग्नि मुझे जला रही है। रक्षा करिए। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी, बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी। जीवित है, मेरा पुत्र सुरक्षित है, स्वामी सुरक्षित है। प्रहलाद, सत्य की पुण्य अग्नि में बड़ी से बड़ी बुराई भी जलकर भस्म हो जाती है।